हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है पजल टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसबीआई क्लर्क में जो है इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, पहले प्रॉपरली रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, 8% PQRST UV and W, कॉमन सी बात है, ये सारा नाम दिया जाता है, दैट दे लिव ऑन अ सेपरेट फ्लोर, ईच ऑफ द फ्लोर 8 फ्लोर्स बिल्डिंग। ठीक है, 8 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, मतलब फ्लोर बेस्ड पजल, काफी इजी पजल है और बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाना पजल वाला कौन सा है, फ्लोर बेस्ड पजल है, इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टोटल 8 फ्लोर्स की बिल्डिंग दी है, एट 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, डन। अभी देखते हैं, पहले प्रॉपरली रीडिंग करते जाएंगे, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे। यू लिव्स इन अ ऑड नंबर फ्लोर, यू जो है ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, 1 3 5 और 7, ये चार ऑड नंबर के अलावा कहीं रह नहीं सकता वो। ठीक है, इन चार ऑड नंबर फ्लोर में से कहीं ना कहीं एक में वो यू रहता है, कन्फर्म। 4% लिव बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में कितने परसेंट गैप है, 4% गैप है। एस हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज करता है, एस हु लिव्स वन ऑफ द फ्लोर, वन ऑफ द बिलो फ्लोर ऑन विच यू लिव्स, तो एस जो है यू के नीचे रहता है, तो एस जो है यू के नीचे रहता है, एस जो है यू के नीचे रहता है, पर इमीडिएट नहीं बोला है। ठीक है, मतलब जो भी कहीं भी यू होगा उसके नीचे रहता होगा, मतलब यू ऑब्वियसली बात है यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यू के नीचे एस है, तो 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो सकता है, डन। तो 1 निकाल दीजिए, उसके बाद क्या बोला, आर लिव्स वन ऑफ द फ्लोर नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2, आर जो फ्लोर में रहता है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, बट नॉट 6, तो बट नॉट मतलब वो 2 4 8 में से कहीं रह सकता है। ठीक है, वी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, वी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, वी जो है इवन नंबर फ्लोर में रहता है, 2 4 6 8, डन। उसके बाद क्या बोला है, मोर देन 2% लिव बिटवीन वी एंड एस, मोर देन 2% लिव बिटवीन वी एंड एस, वी एंड एस के बीच में 2% से ज्यादा गैप है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्यू लिव्स इमीजिएट अबव ऑन विच डब्ल्यू लिव्स, क्यू और डब्ल्यू जो है इमीजिएट आस पास है। ठीक है, तो क्यू इमीजिएट ऊपर है डब्ल्यू के। ठीक है, R does not lives below you. R does not lives below you. तो R ऊपर होगा, अगर below नहीं होगा तो है क्या नहीं। P lives on odd number floor below T. P lives an odd number floor 1 3 5 7 below T, है ना, P lives on odd number floor below T. ठीक है, ये भी लाइन समझ में आ गया हमें। अरे अब सबसे अच्छी लाइन कौन सी है जो हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टी और एस कॉल कर सकते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट, है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला है, यू जो है 3 5 7 में रह सकता है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, और एस ऑब्वियसली बात है नीचे साइड में है, तो वो भी एक हमें समझ में आ गया क्योंकि वी और एस के बीच में 2 से ज़्यादा गैप है, वो भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर सपोज मैं टी को जो है 7 नंबर में रखूँ और टी को यहाँ पर जो 8 नंबर में रखूँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, 1 2 3 4, कितने 4 गैप के बाद ऐसे, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोला था, V और S के बीच में 2 से ज़्यादा गैप है। ठीक है, V और S के बीच में 2 से ज़्यादा गैप है, तो 1 2 छोड़ के V यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अपन V जो है इवन नंबर फ्लोर में है। ठीक है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ V हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी आ गया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला R जो है, R जो है मतलब ये इवन नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 में रहता है, तो ऑब्वियस 2 4 6, तो 6 में रहता नहीं है, 2 4 8 में रह सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात देखते हैं हम लोग, अभी अगर सपोज मैं आर को यहाँ रख के देखूँ, क्योंकि आर के नीचे जो है, सॉरी, आर जो 2 4 8 में रहता है, तो ऑब्वियसली बात आर मेरे सबसे, अगर मैं यहाँ रखूँ आर को और उसके बाद जो है 1 2 यहाँ पर वी को रख के देखते हैं, है ना, उसके बाद क्या बोला टी, तो ऑब्वियसली बात ठीक है, और टी जो आर जो है ऑड नंबर में रहता है, तो आर को कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी आर देयर। उसके बाद क्या बोला है, टी के नीचे पी रहता है, पी जो है ऑड नंबर में रहता है। ठीक है, तो टी के नीचे पी रहता है और वो ऑड नंबर में रहता है, पी लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो टी, वो तो ठीक है, हमारी ये भी लाइन समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोला है, यू जो है ऑड नंबर में रहता है और एस के ऊपर रहता है, तो एस के ऊपर 3 ऑड नंबर है, पर इमीजिएट नहीं रहता है ना, इमीजिएट नहीं रहता, तो इमीजिएट यहाँ पर आता था, लेकिन इमीजिएट नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर यू बैठेगा, तो 5वें नंबर पर यू बैठेगा मेरा, है ना, यहाँ भी यू आ सकता है, इमीजिएट नहीं बोला, तो ऊपर ही वो भी यहाँ यू आ सकता है, पॉसिबिलिटी आर देयर। उसके बाद क्या बोला था, क्यू और डब्ल्यू के बीच 2% गैप है, तो Q और W के बीच में 2% गैप है, तो Q ऊपर है ना, तो Q यहाँ पर आ जाएगा और W इधर आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ W आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोला, V और S में 2 से ज़्यादा गैप है, तो V और S में 2 से ज़्यादा गैप है, सही है। ठीक है, यहाँ 2 से ज़्यादा गैप आना चाहिए था, तो यहाँ 2 का गैप दिख रहा है, इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी हो गई रॉन्ग। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होगी सही,
और उसके बाद क्या बोला, टी पी के नीचे, टी जो है ऊपर पी के, पी ऑड नंबर में आ रहा है और टी ऊपर ही है, तो हम इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी हो गई सही। ठीक है, चेक कर लेते हैं बट टी और एस के बीच चार का गैप है कि नहीं है, क्या चार का गैप। ठीक है, आर जो यू के ऊपर है वो भी सही है, क्यू और डब्ल्यू जो इमीजिएट ऊपर आगे पीछे है कि नहीं वो भी सही है, आर जो है ऑड इवन नंबर में रहता है, आठवें नंबर फ्लोर में रहता है, वी जो है इवन नंबर फ्लोर में रहता है वो भी इवन नंबर, तो उसके बाद वी और एस के बीच दो से ज़्यादा गैप है, वी और एस में दो से ज़्यादा गैप है वो भी सही है, टी जो है ऊपर है पी के वो भी सही है हमारा, इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी हो गई है सही। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है और ये गलत है हमारे। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले प्रॉपरली रीडिंग किया, जो जो पॉइंट्स बताए उस भाषा में लिख के रखा, फिर उसको इसके अंदर इंप्लीमेंट किया, और फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी था उसको पहले सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। ऐसे आप भी करिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहले इंप्लीमेंट करिए, उसके बाद सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करते जाइए, बैठ जाएगा आप वहाँ से, और हमेशा याद रखिए दो पॉसिबिलिटी लिया करिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा पजल टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे करा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।